सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण के मन में इसके बाद द्वारका जाने की इच्छा हुई। आज युधिष्ठिर जी से विदा ली तो युधिष्ठिर जी ने अर्जुन को कहा, अर्जुन गोविंद के साथ जाओ और द्वारका की सीमा में इनको सुरक्षित छोड़ के लौट करके आओ। अर्जुन ने पूछा, क्यों भैया? बोले, बात यह है, मार्ग में वन में चोर डाकुओं का वास है और हमारे गोविंद सुंदर आभूषणों को धारण करने वाले हैं। मेरे मन में चिंता है कोई वन में इनको लूट ना ले, इसलिए सुरक्षा के लिए तुम साथ जाओ और द्वारका की सीमा में इनको छोड़ के लौट करके आ जाओ। अर्जुन ने कहा, कर लो बात, है श्री कृष्ण को सुरक्षा की क्या आवश्यकता? जो नेत्रों से ही लूट ले उसको लूटने वाला धरती पर कौन आ गया है? जो केवल आंखों से लूट ले उसको कौन लूट लेगा? लेकिन युधिष्ठिर जी के मन में एक भाव है वात्सल्य का, तो अर्जुन को कह दिया। महाराज, अर्जुन श्री कृष्ण को छोड़ने गए द्वारका, द्वारका की सीमा में मेरे गोविंद को छोड़ा और अर्जुन लौट करके युधिष्ठिर जी के पास आ गए। कुछ दिन का समय बीता, उत्तरा के जिस गर्भस्थ बालक की रक्षा मेरे गोविंद ने की थी उसने आज हस्तिनापुर में जन्म लिया। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। परीक्षित जी का जन्म हस्तिनापुर में हुआ। पांडवों को पौत्र रत्न की प्राप्ति हुई महाराज, सो युधिष्ठिर जी ने पौत्र जन्मोत्सव को मनाने की घोषणा करवा दी। भेरी घोषेण सर्वशः, घोषणा हो गई और परीक्षित के जन्मोत्सव में भाग लेने के लिए युधिष्ठिर जी ने धरती के सभी प्रमुख राजाओं को आमंत्रित किया, बड़े बड़े राजकुमारों को आमंत्रित किया, विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया, ज्योतिषाचार्यों को बुलाया, विमलात्मा अम्लात्मा बड़े बड़े संत महात्मा सब हस्तिनापुर में आमंत्रित किए गए और मेरे गोविंद के पास भी परीक्षित के जन्मोत्सव का निमंत्रण पत्र पहुंचा। पूरी हस्तिनापुर नगरी को दुल्हन के समान सजाया गया। महाराज, इतने दिनों के बाद महा उत्सव यहां होने जा रहा है और देखते ही देखते हस्तिनापुर नगरी अतिथियों के सत्कार में तैयार हो गई। एक एक करके बड़े बड़े राजा राजकुमार संत महात्मा ज्योतिषाचार्य सब हस्तिनापुर पहुंचने लगे। भीड़ हो गई हस्तिनापुर में, सबके लिए समान सुंदर व्यवस्था की गई। मेरे गोविंद भी कुर्ता टोपी लेकर के चले द्वारका से हस्तिनापुर के लिए। हम देखो, श्री कृष्ण की बहन है सुभद्रा जी, उड़ीसा में है ना जगन्नाथ जी, आपने दर्शन किया होगा। एक ही ऐसा मंदिर है धरती पर जहाँ श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा विराजमान है। भगवान जगन्नाथ जी का जो रथ का मेला होता है ऐसा तो संपूर्ण पृथ्वी पर कहीं दूसरा होता नहीं। श्री गोवर्धन जी की जैसी परिक्रमा नहीं, कुंभ के जैसा मेला नहीं और जगन्नाथ जी की जैसी रथ यात्रा नहीं। भगवान जगन्नाथ का विग्रह लकड़ी का बना हुआ है। हम लोग जाते हैं उड़ीसा, उनका दर्शन करते हैं जगन्नाथपुरी में। भगवान जगन्नाथ का जो विग्रह है सज्जनों, उस विग्रह के अंदर भगवान श्री कृष्ण की नाभि रखी हुई है और प्रत्येक 12 वर्ष के बाद भगवान जगन्नाथ का एक नया लकड़ी का विग्रह बनाया जाता है। फिर पुराने विग्रह से श्री कृष्ण की नाभि को निकाल करके नए विग्रह के अंदर स्थापित किया जाता है। इसको कहते हैं कलेवर बदलना। भगवान प्रत्येक 12 वर्ष के बाद अपने कलेवर को बदल लेते हैं। दिव्य भगवान श्री कृष्ण की नाभि जगन्नाथ जी के विग्रह के अंदर रखी हुई है। ऐसे ही थोड़ो हजारों आदमी वहां चक्कर लगाने जाते हैं, विशेष बात होगी तभी तो जाते हैं।
जगन्नाथ जी के यहाँ कई विशेष बात है। भगवान जगन्नाथ के यहाँ प्रसाद की पंगत में कोई भेदभाव नहीं किया जाता, कोई भी आपके बगल में बैठ सकता है और कोई भी आकर के बैठे तो आपको उसके साथ प्रसाद लेना पड़ेगा। यदि मन में किंचित भी कोई दूसरा भाव आ जाए तो उसके परिणाम में कुछ ना कुछ हानि अवश्य हो जाती है, ऐसा नियम है वहां एक। इसलिए समभाव से जगन्नाथ जी का प्रसाद सब लोग एक साथ बैठ करके पाते हैं। जगन्नाथ जी का प्रत्येक वर्ष जो नया रथ बनता है, ये नया रथ भगवान जब इस पर यात्रा कर लेते हैं तो इसकी लकड़ी बाद में भगवान का ही भोग बनाने के लिए चूल्हे में काम आती है, ऐसी एक परंपरा है और उस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। भगवान जगन्नाथ जब रथ यात्रा में अपने रथ पर आते हैं तो जगन्नाथपुरी के राजा सोने के मूठ की झाड़ू से सबसे पहले रथ के सामने मार्ग को साफ करते हैं। भगवान जगन्नाथ को सर्वाधिक प्रिय है गीत गोविंद, जयदेव कृत गीत गोविंद भगवान जगन्नाथ को प्रिय है। तो ये नियम है कि राजा जब वहां पर झाड़ू लगाने के लिए जाते हैं रथ के सामने तो उनको एक लाल दुपट्टा बांधना पड़ता है और उस लाल दुपट्टे पर गीत गोविंद की ही पंक्तियां लिखी होती हैं, ऐसी परंपरा है। ये दुपट्टा पहले भगवान जगन्नाथ ने धारण किया होता है, बाद में राजा को मिलता है प्रसाद के रूप में, फिर राजा उसी गीत गोविंद अंकित दुपट्टे को बांध करके लाल रंग के भगवान के रथ के सामने झाड़ू लगाने के लिए आते हैं, ऐसी कुछ परंपराएं। तो भगवान जगन्नाथ बलराम जी और सुभद्रा जी हमारे यहाँ उड़ीसा में विराजमान है। सुभद्रा जी के पुत्र हैं अभिमन्यु और अभिमन्यु के ही पुत्र का यहाँ जन्मोत्सव हो रहा है हस्तिनापुर में परीक्षित जी महाराज। तो बताओ श्री कृष्ण का इनसे संबंध हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? तो कुर्ता टोपी लेके आए या नहीं आए? लेके आए ना, सो आ गए। अब लेकर के कुर्ता टोपी आए महाराजा, लेकिन ये बालक कोई साधारण थोड़ा ही है, जन्म हुआ ये तो आलती पालती लगा के बैठ गया आसन पर, ना हंसता है ना रोता है, खाली टकटकी लगा के आए हुए सभी लोगों की भीड़ को देखता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री वेदव्यास जी को पूछा, ये बालक कैसा है, ना हंसता है ना रोता है, ये भीड़ को क्या देखता है टकटकी लगा के? कहा, राजन ये भीड़ में उसको ढूंढ रहा है जिसका दर्शन इसने जन्म लेने से पहले मां के गर्भ में कर लिया है। किसका दर्शन किया है इसने? कहा, देखो जिसकी गोद में जाने के बाद ये खिलखिला करके हंसने लग जाए, समझ लेना उसका ही दर्शन इसने मां के गर्भ में किया है। अब युधिष्ठिर जी को भी उत्सुकता हो गई, किसका दर्शन किया? महाराज बारी बारी सबकी गोद में देने लगे, पता नहीं किसकी गोद में हंस जाए, मुख की ओर देखता है फिर उदास हो जाता है, फिर मुख की ओर देखता है फिर उदास हो जाता है। उसी समय मेरे गोविंद का आगमन हुआ। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान का आगमन हुआ वहां और जैसे युधिष्ठिर जी ने इस बालक को मेरे गोविंद की गोद में दिया, ठाकुर जी के मुखारविंद की ओर देखा इस बालक ने, सो खिलखिला करके हंसना प्रारंभ कर दिया। ब्राह्मण दौड़ते हुए आए, परीक्षणात् परीक्षित, परीक्षणात् परीक्षित, परीक्षणात् परीक्षित। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। सबकी परीक्षा लेने के कारण ही इनका नाम ब्राह्मणों ने परीक्षित रख दिया। जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, नामकरण संस्कार भी हो गया। देखो एक ही बार में दो काम हो गया। युधिष्ठिर जी समझ गए कि गोविंद का दर्शन परीक्षित को अपनी मां के गर्भ में हुआ है। परीक्षित जी से श्री कृष्ण के तीन संबंध हैं। पहला, श्री कृष्ण परमात्मा है, परीक्षित जीवात्मा है, ये एक संबंध।
सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, ये अभिमन्यु के पुत्र हैं। सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन, ये दूसरा संबंध। और तीसरा एक अनोखा संबंध भी है कि श्री कृष्ण परीक्षित के बड़े भाई भी हैं। कहा महाराज ये भाई कैसे हो गए? अब देखो इनको बचाने के लिए भगवान इनकी माँ के गर्भ में गए ना, तो बताओ गर्भ से पहले बाहर निकल के कौन आया? अरे श्री कृष्ण ही तो आए, उसके बाद कौन निकल के आया? उसके बाद आए परीक्षित जी। तो श्री कृष्ण उनके बड़े भाई हुए या नहीं हुए? ऐसे तीन संबंध भागवत में उनके बताए गए। महाराज सुंदर जन्मोत्सव हो रहा है, आनंद हो रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर अत्यंत प्रसन्न है। ब्राह्मणों ने परीक्षित जी के भविष्य के बारे में युधिष्ठिर जी को बताया और कहा कि राजन आप चिंता ना करिएगा, ये तो भविष्य में महाभागवत होंगे, इसलिए इनके भविष्य को लेके मन में कोई संदेह ना रखिएगा। ये इक्ष्वाकु के समान प्रजापालक होंगे, श्री राम के समान ये ब्राह्मण भक्त होंगे, शिवी के समान ये दाता होंगे, भरत के समान इनका यश होगा, शंकर के समान ये कृपालु होंगे, ब्रह्मा जी के समान ये समता का भाव रखने वाले होंगे, भगवान विष्णु के समान ये भक्त वत्सल होंगे, इसलिए भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान। आप इनके भविष्य के लिए कोई संदेह न रखिए। जन्मोत्सव में भाग लिया तब मेरे गोविंद द्वारका चलने को तैयार हुए। युधिष्ठिर जी ने अर्जुन को बुलाया और कहा जाओ श्री कृष्ण को सुरक्षित द्वारका छोड़ कर के आओ। अर्जुन गोविंद के साथ गए द्वारका। आए हुए सभी अतिथि अपने अपने स्थानों को लौट गए। अर्जुन गए द्वारका सज्जनों, लेकिन कई महीनों का समय बीता, वे लौट करके ना आए। अलग अलग अपशकुन दिखाई देने लगे युधिष्ठिर जी को और उनको लगा कि पृथ्वी पर कोई अनहोनी घटना घट गई है। मन उनका अशांत होने लगा, नेत्रों से अकारण ही आंसू निकलने लगे। आज 7 महीने के बाद अर्जुन लौट करके आए द्वारका से हस्तिनापुर। युधिष्ठिर जी के कक्ष में प्रवेश किया। युधिष्ठिर जी ने कहा अरे अर्जुन आओ आओ, जरा देखो इस परीक्षित को, ये कैसी कैसी लीला करता है। इतना कहना हुआ और अर्जुन युधिष्ठिर जी के चरणों में गिर के रोने लगे। युधिष्ठिर जी ने परीक्षित को बैठाया, उठ के खड़े हुए, अर्जुन को उठाया। क्यों पार्थ, क्यों रोते हो? ये तुम्हारे मुख का तेज क्यों समाप्त हो गया? गौ हत्या तो ना हो गई? आयु में छोटे किसी योद्धा से पराजित तो नहीं हो गए? ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले कहीं तुमने भोजन तो ना कर लिया? ये तुम्हारे मुख का तेज क्यों समाप्त हो गया? इतने महीनों के बाद तुम लौटे हो यूं इस प्रकार रोते हुए, क्या कारण है मुझे बताओ। अर्जुन ने कहा भैया अनर्थ हो गया, वंच तो हम महाराज हरणा बंधु रूपिणा ये न मे प्रहृतम तेजो देव विस्मापनम महत। हम वंचित हो गए। किससे अर्जुन? श्री कृष्ण से। जैसे ये बात युधिष्ठिर जी के कानों में गई, युधिष्ठिर जी ने रोना प्रारंभ कर दिया। अर्जुन क्या कह रहे हो तुम? भैया भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला संपन्न करके इस धराधाम को छोड़ के स्वधाम गमन कर गए। मैंने यदुवंश का संहार होते हुए देखा, मुझे बड़ा अभिमान था अपने गांडी पर, अपने बाणों पर। आज कृष्ण पत्नियों को लेकर के लौट रहा था, मार्ग में साधारण कोल भीलों ने मुझे पराजित करके श्री कृष्ण की पत्नियों का हरण कर लिया। मुझे आज समझ में आया कि हमारे वास्तविक बल तो श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण क्या लुप्त हुए, हमें तो ऐसा ही लगता है मानो हमारा सब कुछ छिन गया। युधिष्ठिर जी ने कहा पागल ऐसी सूचना लेके आया, इससे पहले तेरे को मृत्यु क्यों ना प्राप्त हो गई? जब हमारे गोविंद इस धरती पर नहीं है, मेरे मन में कोई इच्छा हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठने की नहीं, इसलिए अब हम स्वर्गारोहण करेंगे। परीक्षित को राजगद्दी दी, राज तिलक कर दिया, बहुत छोटे हैं अभी ये। तब मंत्रियों को कहा युधिष्ठिर जी ने राज्य शासन को संभालिएगा,
परीक्षित जब योग्य हो जाएं, दो बात इनको कहिएगा, आँखों से पाप होते हुए ना देखें, रोकने का सामर्थ्य हो तो रोकें, अन्यथा उस स्थान को छोड़ के चले जाएं। और दूसरा, शरण में यदि एक बार शत्रु आ जाए तो उसको क्षमा करें। पांचों पांडव देवी द्रौपदी के सहित वल्कल वस्त्रों को धारण करके हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। एक एक करके सबके शरीर समाप्त हुए, श्री युधिष्ठिर जी ही सशरीर प्रभु के धाम गए। सूत जी कहते हैं, समय बीत रहा है परीक्षित राजगद्दी पर, युवा अवस्था उनको प्राप्त हुई, मंत्रियों ने दोनों ही बातें परीक्षित जी को दी। राजा उत्तर की कन्या इरावती से इनका विवाह हुआ और जन्मेजय आदि चार पुत्रों की प्राप्ति श्री परीक्षित जी महाराज को हुई। तीन अश्वमेध यज्ञ इन्होंने अपने जीवन में किए और 50 वर्ष से ऊपर परीक्षित जी की आयु जा पहुंची। भैया 50 के बाद क्या आता है? 51 माने वन जाने की तैयारी कर लो, इसलिए आता है 50 के बाद 51। तो जब 50 को ये पार कर गए तो परीक्षित जी को लगा कि अब ज्यादा समय थोड़ा सत्संग के लिए दूं, थोड़ा जाके वन में संतों का सानिध्य प्राप्त करूं, उनसे कुछ ग्रहण करूं। आज राजकोष से एक सुंदर स्वर्ण मुकुट को धारण करके परीक्षित अश्व पर सवार होके वन में सत्संग करने के लिए पधारे। वन में जाने का भाव आप केवल किसी वन में जाके बैठ जाएं ऐसा नहीं है, अपनी वृत्तियों को संसार से हटा करके श्री बिहारी जी के चरणों में लगाएं, यही वन के अंदर जाना है। ये वृत्तियां संसार से अब हटें और अब ये भगवान की ओर चलें। बहुत देखा संसार को, बहुत भोगा संसार को, बहुत समझा संसार को, अब ईश्वर की ओर चलना चाहें। श्री वृंदावन चले जाओ भैया, अथवा तो घर में ऐसे ही रहो मानो वन के अंदर रहते हो। परीक्षित जी वन में आए तब एक विचित्र दृश्य इन्होंने देखा। दूर एक गाय और बैल खड़ा है, दोनों के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। बैल के चार चरणों में से तीन किसी ने तोड़ दिए, एक ही चरण पे खड़ा है। परीक्षित जी सोचने लगे कि मेरे शासन में ये गाय और बैल रोते क्यों हैं? थोड़ा इनकी पीड़ा को मैं समझूं। तब अश्व से उतर के वे एक वृक्ष के पीछे छिपके खड़े हो गए। ये गाय और कोई नहीं पृथ्वी है, ये बैल और कोई नहीं धर्म है। धर्म के चार चरण होते हैं, सत्य, दया, दान, पवित्रता। और महाराज द्वापर का अंत अब होने को आया, कलयुग जब आता है तो धर्म का केवल एक ही चरण रह जाता है, वो चरण है सत्य, दया, दान, पवित्रता। ये तीनों चरण लुप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण वियोग में ये दोनों रो रहे हैं। उसी समय एक विकराल पुरुष राजा के वेश को धारण करके हाथ में डंडा लेकर के वहां आया। परीक्षित जी तो दूर से देख रहे हैं और इस विकराल पुरुष ने डंडे के प्रहार से बैल के उस आखिरी चरण को भी तोड़ना प्रारंभ किया। तोड़ दूंगा इस चरण को, मारने लगा खींच के। बैल चिल्लाने लगा, गाय रुदन करने लगी। उसी समय परीक्षित की भुजाएं फड़कने लगी, तलवार मयान के बाहर निकली, दौड़ते हुए आए और उस विकराल पुरुष की गर्दन पर तलवार को रख दिया। कहा, क्यों मेरे बाबा गांडीवधारी अर्जुन, सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण इस धरती को छोड़कर के क्या चले गए? तूने अपने को मनमाना आचरण करने वाला समझ लिया, क्या तुझे पता नहीं कि पांडवों के पौत्र परीक्षित का शासन इस संपूर्ण पृथ्वी पर है और मेरे रहते हुए यदि कोई गाय और बैल पर अत्याचार करेगा तो निश्चित ही मृत्यु दंड का पात्र होगा, क्यों ना तेरे सिर को काट दूं? कौन हो तुम, अपना परिचय दो। ये विकराल पुरुष तो परीक्षित जी के चरणों में गिर गया। रक्षमाम रक्षमाम रक्षमाम, मुझे मत मारिए, मैं आपकी शरण में हूं। परीक्षित जी को स्मरण आया
कि मेरे बाबा पांडवों ने ये बताया था, शरण में यदि शत्रु आ जाए तो उसको एक बार क्षमा कर देना। कर दिया क्षमा। इस विकराल पुरुष ने कहा, मेरा नाम है कलियुग, मुझे नहीं पता कि इस धरती पर पांडवों का वंश अभी तक चल रहा है, द्वापर का अंत है परीक्षित, तो मैंने अपने को ही राजा समझा, इसलिए राजा के वेश को धारण करके आ गया। परीक्षित ने कहा, चले जाओ इस पृथ्वी को छोड़ के। कलयुग ने कहा, मैं लौट नहीं सकता, नियम है, मुझे आना ही पड़ेगा। परीक्षित ने कहा, मेरा शासन रहने नहीं दूंगा। कलयुग ने कहा, मैं आपकी शरण में हूं, रहने के कुछ स्थान दे दीजिए। चार स्थान दे दिए महाराज परीक्षित जी ने कलयुग को, द्योतम, पानम, स्त्रिय, सूना, चार स्थान। कलयुग जाओ, जहां जुआ खेला जाता है वहां असत्य के रूप में तुम्हारा वास हो। पानम, जहां मदरा पान किया जाता है वहां मद के रूप में तुम्हारा वास हो। स्त्रिय, जहां स्त्री संग होता है वहां पर आसक्ति के रूप में तुम्हारा वास हो। सूना, जहां हिंसा है वहां निर्दयता के रूप में तुम्हारा वास हो। मैं चार स्थान तुमको रहने के लिए देता हूं, जाओ वहां जाके वास करो। कलयुग ने सोचा, पृथ्वी को अधिकार में करना है तो पहले परीक्षित को अधिकार में करना है। परीक्षित के शासन में ये चारों कर्म होते नहीं तो एक प्रकार से मुझे निकाला ही दे दिया। कहा, राजन एक स्थान मुझे रहने के लिए और दे दीजिए, 432,000 वर्ष मेरी आयु है। विचार किया परीक्षित ने, कहा ठीक है, एक पांचवा स्थान भी देता हूं। ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम, जाओ स्वर्ण, सोने में तुम्हारा वास हो, सोना भी तुमको देता हूं। दे तो दिया, लेकिन परीक्षित भूल गए कि वे आज जिस स्वर्ण मुकुट को धारण करके आए हैं ये मगध नरेश जरासंध का है। अधर्म, अनीति, अत्याचार से प्राप्त स्वर्ण से बने मुकुट को राजा ने धारण कर रखा है। भीम ने जरासंध का वध किया, तब जरासंध पुत्र ने सम्मान के रूप में भीम को यह मुकुट दिया। भीम ने राजकोष में रखा हस्तिनापुर के, आज परीक्षित उसको पहनाए। सोने में भगवान श्री कृष्ण का वास है। भगवान ने कहा है, धातुनाम अस्मि कांचनम, धातुओं में सोना मैं हूं। वही सोना परीक्षित ने कलयुग को दे दिया। सोना ही श्री हनुमान जी हैं, कंचन वर्ण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अब कौन है सोने में? कलयुग है, श्री कृष्ण। संतों ने यह बताया कि धर्म से प्राप्त स्वर्ण में श्री कृष्ण का वास है, लेकिन अधर्म, अत्याचार, अनीति से प्राप्त स्वर्ण में कलयुग का ही वास है। कलयुग को अच्छा अवसर लगा, परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में प्रवेश किया और राजा के मस्तिष्क पर अधिकार कर लिया। राजा परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई, सत्संग के लिए आए थे, अब शिकार खेलने की इच्छा हुई, हिंसा का भाव आया, अनेकों पशुओं का शिकार किया, प्यास लगी, सामने शमीक ऋषि का आश्रम देखा। ऋषि समाधि में परीक्षित ने जलपान की याचना की, लेकिन शमीक कुछ बोले नहीं। राजा के सिर पर कली सवार आ गया क्रोध, और झाड़ियों में पड़े हुए एक मृत सर्प को देखा राजा परीक्षित ने। कहा, अच्छा कोई ढोंगी महात्मा है, राजा को देख के आंख बंद करके बैठ गया, कहीं मेरा सम्मान ना करना पड़ जाए, तो इस ढोंगी महात्मा का क्या सत्कार करना चाहिए, यह हमको आता है। धनुष की नोक से उस मृत सर्प को उठाया और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। शमीक के गले में इस मृत सर्प को क्या डाला, अपने ही गले में काल सर्प को डाल लिया। राजा परीक्षित वहां से चले गए। शमीक के शिष्य अपने गुरु के इस अपमान को देखकर के रोने लगे, और उसी समय शमीक नंदन श्रृंगी नदी में स्नान करके आश्रम में लौट करके आए। अपने पिता के गले में मृत सर्प को देखा तो श्रृंगी के क्रोध की सीमा ना रही। पूछा,
अपने पिता के शिष्यों से, किसने मेरे पिता के गले में स्मृत सर्प को डाल के अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर दिया? शिष्यों के मुख से निकला परीक्षित का नाम। ओ परीक्षित, भगवान ने क्षत्रियों को ब्राह्मणों के द्वारपालों के रूप में बनाया है, तूने आज अपनी मर्यादा को लांघ दिया, मेरे ऐसे भजनानंदी पिता के गले में स्मृत सर्प को डाल दिया, तो सर्पों से अब तुझे विशेष प्रेम हो चुका है, तो मैं श्रृंगी तुझे श्राप देता हूं कि आज से ठीक सातवें दिन इन्हीं सर्पों के पूर्व तक्षक आके तुझे डसेंगे और तुझे मृत्यु की प्राप्ति हो जाएगी। महाराज, श्राप दिया, पूरी की पूरी पृथ्वी कांपने लगी, देवताओं को भी चिंता हो गई, ये क्या? परीक्षित ने महल में स्वर्ण मुकुट को उतारा तो समझ गए कि इस अपराध का मुझे दंड अवश्य प्राप्त होगा। शमी ऋषि के चरणों में गिर के श्रृंगी रोने लगे, अश्रु बिंदु चरणों पर गिरी, तब शमी के नेत्र खुले। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनी, जब जाना सारी घटना को तो रोने लगे शमीक और कहा, बेटा श्रृंगी, तूने अनर्थ कर दिया, ये क्या किया तूने? ऐसे भजनानंदी राजा, ऐसे परमार्थी राजा को तूने ये श्राप दे दिया। बेटा, राजा के सिर पर तो कलयुग सवार था, तूने अपने भजन का दुरुपयोग किया, जा तीर्थ यात्रा पर। श्रृंगी प्रणाम करके चले गए, अपने शिष्य गौरमुख को बुलाया और कहा, जाओ परीक्षित को सूचना दो, अंतिम सात दिन जीवन के शेष मोक्ष का उपाय कर ले। गौरमुख ने आकर के सूचना दी राजा परीक्षित को। परीक्षित समझ गए कि सत्ता, संपत्ति, संतति अब कोई भी मुझे मृत्यु से बचा नहीं सकती, तो अपने मोक्ष के लिए सात दिनों में ही उपाय करना है। अपने पुत्र जनमेजय को राजगद्दी दी, राजसी वस्त्रों को त्याग दिया और वल्कल वस्त्रों को धारण करके परीक्षित जी गंगा किनारे आकर के बैठ गए। जिस जिस महात्मा ने सुना परीक्षित को श्राप मिला है, सब दौड़ पड़े परीक्षित की ओर। हजारों महात्माओं की भीड़ लग गई गंगा किनारे और परीक्षित ने सबसे अपने मोक्ष का उपाय पूछा, लेकिन कोई भी ना निर्धारित कर पाया सात दिनों में परीक्षित का मोक्ष कैसे हो। वन में बैठे हैं भगवान सुखदेव, मेरे गोविंद को हुई चिंता, तब सुखदेव जी को प्रेरणा दी, चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। सुखदेव जी के नेत्र खुले, उठकर के खड़े हुए और चल दिए गंगा किनारे। महाराज, एक गांव के पास से निकले, लोगों ने कहा, पागल बाबा, सो धूल फेंकने लगे। एक गांव के पास से निकले, लोगों ने कहा, सिद्ध महात्मा, सो माला पहना दी। ना क्रोध ना प्रसन्नता, ये महान अवधूत भगवान सुखदेव चलते हुए चले जा रहे हैं। एक कोपिन को धारण कर रखा है और सूत जी कहते हैं, उसी समय गंगा किनारे परीक्षित के पास, जहां हजारों महात्मा बैठे हैं, उनकी सभा के बीच में भगवान सुखदेव का आगमन हुआ। तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गमत् मानोनपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बालैर अवधूत वेशः। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। महाराज, महात्माओं ने अपनी दाढ़ी बिछा दी और सुखदेव जी उन सब की दाढ़ियों पर पैर रख करके आगे निकल करके आ गए। तुरंत कहा, परीक्षित को जल्दी खड़े हो, बैठाओ सुखदेव जी को व्यासपीठ पर, तुम्हें मोक्ष देने के लिए ही इनका यहाँ आगमन हुआ है। हड़बड़ा करके परीक्षित उठ करके खड़े हुए और वटवृक्ष के नीचे व्यासपीठ पर भगवान सुखदेव को विराजमान किया। सुखदेव जी से हजारों वर्ष आयु में बड़े महात्मा उनके ज्ञान के कारण हाथ जोड़ करके उनके सामने खड़े हो गए। परीक्षित जी उनका पूजन कर रहे हैं, तो हमारी कथा के यजमान यहाँ भगवान सुखदेव का पूजन करेंगे, तो आइए हरि नाम लुटाने वाले भगवान सुखदेव को हम वाणी के द्वारा नमन करें। हरि नाम लुटाने वाले, हरि कथा पिलाने वाले,
तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि नाम लुटाने वाले, हरि कथा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि नाम लुटाने वाले, हरि कथा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि नाम लुटाने वाले, हरि कथा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ताली बजा के भाव से लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
खिलाने वाले, हरि कथा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु प्रेम लुटाने वाले, हरि कथा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि नाम लुटाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि नाम लुटाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के भाव से बोलिए भागवत भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज की। भगवान सुखदेव का विधिवत पूजन श्री परीक्षित जी महाराज ने कर दिया और वे हाथ जोड़ करके उनके सामने बैठ गए। एक गंगा की धारा पास में बह रही है और दूसरी कथा गंगा अब थोड़ी देर में यहां बहने वाली। हाथ जोड़ के परीक्षित बैठे सुखदेव जी को तो मंगला चरण का मौका ही नहीं दिया और तुरंत ही प्रश्न कर दिया। अतः प्रच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्येह यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। हे योगियों के परम गुरु, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो मनुष्य 7 दिनों में मरने वाला है उसके मोक्ष का उपाय क्या है? बस यही मेरा प्रश्न है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को ध्यान से देखने लगे, फिर कहा, वरियानेशते प्रश्नः कृतो लोक हितम नृपः आत्मवित सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिशो यह परः। हे नृप राजा, वरियानेशते प्रश्नः, तुम्हारे द्वारा किया गया प्रश्न कृतो लोक हितम, लोक हित वाला है। क्यों? बोले, मुझे पता है कि 7 दिन बाद तक्षक दंश से तेरी मृत्यु निर्धारित हो चुकी है। 7 दिनों में तुम्हें अपने लिए मोक्ष चाहिए। यह प्रश्न तुमने अपने लिए भी किया है और यह प्रश्न तुमने प्रत्येक मनुष्य के लिए भी किया है, क्योंकि 7 ही दिनों में सबका जन्म है और 7 ही दिनों में सबका मरण भी है। 7 ही दिनों में जाना है सबको। राजन, जो मनुष्य 7 दिनों में मरने वाला है उसके मोक्ष का उपाय यह है कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्येच्छेच्छता भयम्। उस मनुष्य को सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हंसते रोते जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में श्री कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। और जो जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में मेरे गोविंद का चिंतन करता है उसका मोक्ष निश्चित ही होता है। हे राजन, ये श्वास व्यर्थ ना खो जाए इसलिए प्रत्येक श्वास पर श्री कृष्ण का स्मरण हो। बहुमूल्य हैं ये श्वासें जो मनुष्यों को मिली हैं। 24 घंटे में हम 21,600 बार श्वास लेते हैं, 10,800 श्वासें 12 घंटे दिन में ले लेते हैं,
और 10,800 सांसें हम 12 घंटे रात्रि में ले लेते हैं। उन 21,600 श्वासों में से कितनी श्वास पर श्री कृष्ण का नाम निकलता, भगवान का नाम निकलता। रात्रि की श्वासें सोने में चली गईं, दिन में भी इधर उधर कुछ ना कुछ लगा ही रहा। यदि आप ध्यान देंगे तो बहुत कम सांसें ही ऐसी होंगी जिन पर श्री कृष्ण का नाम हो। और जीवन का जब अंत आया तब जीने का ढंग आया, क्षमा जब भुज गई तब महफिल में रंग आया। अंत समय जब जीवन का आता है तब समझ में आता है कि अरे जीवन को तो ऐसे जी लेना चाहिए, लेकिन तब तक तो समय निकल जाता है। इसलिए श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आवन होए ना होए। परीक्षित, प्रत्येक श्वास पर श्री कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। राजन, ये मन गोविंद के चरणों में लगे। परीक्षित जी ने कहा इस मन को ही तो जीतना सबसे कठिन है गुरुदेव। कैसे जीते मन को अपने? संपूर्ण पृथ्वी को जीता जा सकता है लेकिन अपने अंदर जो मन है उसको नहीं जीता जा सकता। मन ऐसा होता है, कैसे जीते? सुखदेव जी ने कहा राजन, जितासनो जित स्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार्य धिया। चार बातों का ध्यान रखना होगा मन को जीतने के लिए। पहला, जितासनो, अपने आसन को जीतना चाहिए। लंबे समय तक एक आसन पर हम बैठ सकते हो इसको कहते हैं आसन को जीत लेना, इसलिए आसन को जीतो। जित श्वासों, अपनी श्वासों को जीते। थोड़ा सा प्राणायाम आदि के द्वारा लंबे समय तक हम बिना श्वास को लिए रह सकते हो ऐसा प्रयास भी करना चाहिए। जित संगो, अपने संग को जीते। कुसंग से बचें और सत्संग में जाएं। जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतने का प्रयास करना चाहिए। चार बातें हैं परीक्षित, आसन को जीतें, श्वास को जीतें, संग को जीतें, इंद्रियों को जीतें, और फिर अपने मन को श्री कृष्ण के स्थूल रूप में ले जा करके लगाएं, तो ये मन श्री कृष्ण के चरणों में जा करके लगेगा। मन को जीतना है राजन। बड़े बड़े योगी लोग सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति के द्वारा प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन प्रत्येक मनुष्य के लिए यह बहुत कठिन है। परीक्षित, यदि जीवन में ब्रह्म तेज चाहिए तो बृहस्पति की आराधना करनी चाहिए, यदि संतान चाहिए तो प्रजापतियों की आराधना करनी चाहिए, यदि लक्ष्मी चाहिए तो माया देवी की आराधना करनी चाहिए, तेज चाहिए तो अग्नि की आराधना करनी चाहिए, धन के लिए अष्ट वसुओं की आराधना करनी चाहिए, वीरता के लिए रुद्र की, अन्न के लिए अदिति की, स्वर्ग के लिए देवताओं की, आयु के लिए अश्विनी कुमारों की, यश के लिए यज्ञ भगवान की, सौंदर्य के लिए गंधर्वों की आराधना करनी चाहिए। लेकिन यदि मनुष्य के मन में ये हो कि मुझे तो केवल मोक्ष चाहिए, इनमें से कोई कामना नहीं है, तो फिर अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण, श्री कृष्ण का भजन है। परीक्षित, देखो 7 दिनों में तुम्हारे मोक्ष के लिए मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कहूंगा। भगवान नारायण ने 4 मंत्रों में श्री ब्रह्मा जी को भागवत जी दी, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दी, नारद जी ने श्री वेदव्यास जी को दी, और श्री वेदव्यास जी ने ही 4 मंत्रों को 18,000 मंत्रों में बदला। श्रीमद् भागवत के 10 लक्षण हैं परीक्षित, ध्यान से समझ लेना। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण,
ऊति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, ये 10 लक्षणों से सुसज्जित श्रीमद् भागवत की कथा मैं तुझे कहूँगा। और हे मृत्युलोक के राजा, 7 ही दिनों में भगवत भागवत कृपा से तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तैयार हो गए सुखदेव जी परीक्षित को भागवत की कथा कहने के लिए और कहा, परीक्षित ध्यान रखना, जीवन में श्री कृष्ण केवल भाव के भूखे हैं। भाव के ही कारण वे श्री विदुर जी की कुटिया में पहुंचे केले के छिलकों का भोग लगाने के लिए। परीक्षित जी ने कहा, आश्चर्य है, श्री विदुर जी की कुटिया में गोविंद आए केले के छिलकों का भोग लगाए। महात्मा विदुर तो हस्तिनापुर के सचिव थे, फिर कुटिया में क्यों रहना पड़ा? और गोविंद कैसे पहुंचे, कैसे केले के छिलकों का भोग लगाया? मैं इस कथा को सुनना चाहता हूं गुरुदेव, आप सबसे पहले मुझे यही कथा कही। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस यही मेरा सत्कार है। भगवान तो परीक्षित भाव के भूखे हैं, और जहां भाव का अभाव होता है वहां भगवान कभी नहीं जाते। देखो, यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान विबंधुन प्रवेश लाक्षा भवने ददाह। ये उस समय की बात है परीक्षित, जब हस्तिनापुर की राजगद्दी पर राजा के रूप में धृतराष्ट्र विराजमान है। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी है और इनके 100 पुत्रों को ही कौरवों के नाम से जाना जाता है। इन 100 पुत्रों में ज्येष्ठ हैं दुर्योधन। इन कौरवों के मन में धृतराष्ट्र के भाई पांडु के 5 पुत्र, जिन्हें हम पांडवों के नाम से जानते हैं, उनके प्रति द्वेष भाव बना रहता है। और दुर्योधन अनेक प्रकार से प्रयास करता है कैसे भी पांडवों की जीवन लीला समाप्त कर दी जाए। इस बार पांडवों को समाप्त करने के लिए इसने लाक्षा भवन का निर्माण कराया। पांडवों को जीवित ही जलाने की तैयारी है, लेकिन महात्मा विदुर की कृपा से 5 पांडव जीवित ही लाक्षा भवन से निकल करके बाहर आए। श्री विदुर जी देख रहे हैं समस्त घटनाक्रम को। एक दिन मन में विचार किया कि मैं चलकर के राजा धृतराष्ट्र को समझाऊं। धृतराष्ट्र मोह के प्रतीक हैं। मोह जो होता है सज्जनों, वो जन्मांध होता है। मोह का जब जन्म होता है तो उसकी आंखें नहीं होती, इसीलिए जिस पर मोह होता है उसके दुर्गुण भी सद्गुण ही समझ में आते हैं। मोह जन्मांध है। मोह की पत्नी ममता है, वही गांधारी है। मोह जन्मांध है, लेकिन ममता के पास तो आंखें हैं, परंतु मोह से विवाह हुआ है इसलिए ममता देख करके भी कुछ नहीं देखना चाहती। वो अपनी आंखों के ऊपर एक पट्टी को बांध लेती है और ये कहती है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। ये मोह और ममता ही नाश का कारण हो जाते हैं। मोह और ममता से बंधन भी हो जाता है। अब बताओ, मोह और ममता की संतान है कौरव, पिता के पास दृष्टि नहीं, माँ की आंखों पर पट्टी बंधी है, तो बताओ इनके पास जीवन जीने की दृष्टि कैसे आएगी? कौरवों के पास नहीं है वो दृष्टि। आज हस्तिनापुर की भरी सभा में महात्मा विदुर का आगमन हुआ। पूरी सभा खचाखच भरी है और सामने स्वर्ण सिंहासन पर ऊंचाई पर महाराज धृतराष्ट्र विराजमान है। महात्मा विदुर ने आकर के धृतराष्ट्र को प्रणाम किया तो धृतराष्ट्र ने पूछा कि अरे महात्मा विदुर,
आज हस्तिनापुर की सभा में अचानक बीच में कैसे आना हुआ? विदुर जी ने कहा, राजन सचिव वैद गुर तीन मिल, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होए बेग ही नास। यदि सचिव, वैद्य और गुरु ये अपने आश्रित के केवल प्रिय लगने वाली बात कहेगा तो राजा, रोगी और शिष्य उसका कभी मंगल नहीं हो सकता। हे राजन, मैं आज आया हूं आपसे कुछ कहने के लिए। हो सकता है मेरी बातें आपको सुनने में कड़वी लगें, लेकिन मैं सचिव हूं हस्तिनापुर का, तो मेरी दृष्टि में हस्तिनापुर का मंगल ही मेरा उद्देश्य होना चाहिए। राजन, जहां सुमति होती है संपत्ति का भी स्थायी वास वहां होता है, और सुमति जिस घर से चली जाए संपत्ति को भी जाने में ज्यादा समय नहीं लगता। मैं देखता हूं कि कौरवों के मन में पांडवों के प्रति द्वेष भाव है। ये कौरव पांडवों के अहित का प्रयास करते ही रहते हैं। मुझे पांडव विशेष प्रिय हैं ऐसा नहीं है, जितना पांडव प्रिय है उतना ही मुझे कौरव भी प्रिय है। परंतु मैं ये चाहता हूं कि हस्तिनापुर की संपत्ति सदा इसी प्रकार से विद्यमान रहे। उसके लिए कौरवों और पांडवों के बीच में सुमति का होना अत्यंत आवश्यक है। कौरव पांडवों का तिरस्कार करते हैं, अनेकानेक अत्याचार इनके ऊपर करते हैं, लेकिन पांडव कोई उत्तर नहीं देते। इसे पांडवों की कायरता ना समझा जाए। राजन, वे केवल आपके सम्मान के कारण कभी उत्तर नहीं देते, अन्यथा जिनके ऊपर श्री कृष्ण की कृपा हो भला उनका भी कोई बाल बांका कर सकता है? फिर भी मैं आपको समझाना चाहता हूं। नीति ये कहती है राजन कि त्यजेत एकम कुलस्यार्थे, ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, त्यजेत ग्रामं तु देशार्थे, आत्मार्थे सर्वं त्यजेत। यदि संपूर्ण परिवार की रक्षा का प्रश्न आ जाए, किसी एक व्यक्ति को त्यागना हो तो उसको त्यागने में विलंब नहीं करना चाहिए। राजन, यदि संपूर्ण गांव की रक्षा का प्रश्न आ जाए, किसी एक कुल को त्यागना हो उसको त्यागने में संकोच नहीं करना चाहिए। पूरे राष्ट्र की रक्षा का प्रश्न आ जाए, किसी एक गांव को त्यागना हो तो उसको त्यागने में संकोच नहीं करना चाहिए। और आत्मरक्षा के लिए, भगवान के प्रेम के लिए यदि सर्वस्व भी त्यागना पड़े तो उसको त्यागने में संकोच नहीं करना चाहिए। राजन, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हस्तिनापुर के मंगल के लिए आप केवल बस इस एक दुर्योधन का त्याग कर दें। सभा में दुर्योधन भी बैठा है। विदुर जी के मुख से जैसे ये बात सुनी, क्रोध में नेत्र लाल हो गए और भरी सभा में उठ करके खड़ा हो गया। कहे दासी पुत्र, बस बस बस, बहुत उपदेश हो गया। मेरे ही सामने मेरे पिता को मुझे त्यागने की बात कहते हो, हमारे टुकड़ों पर पलते हो और पांडवों का यशगान करते हो। इस दंड के लिए मृत्यु दंड तुम्हें दे दूं, इच्छा ऐसी मन में है, लेकिन बहुत दिनों तक मेरे पिता की सेवा की है, इसलिए जाओ, अभय दिया तुमको, लेकिन हस्तिनापुर के सचिव पद से इसी समय हटाता हूं, महल खाली करो, चले जाओ। विदुर जी को बुरा नहीं लगा, वे दुर्योधन के स्वभाव से परिचित हैं। धृतराष्ट्र की ओर उनकी दृष्टि गई। धृतराष्ट्र मौन रहे। विदुर जी को लगा कि धृतराष्ट्र दुर्योधन की बात का विरोध करें, लेकिन ये तो मौन हो गए। और शास्त्र कहता है, मौनम सम्मति लक्षणम, यदि कोई किसी बात को सुन के मौन हो जाए तो इसमें उसकी मौन स्वीकृति समझ लेनी चाहिए। विदुर जी समझ गए कि अब हस्तिनापुर का मंगल कैसे होगा। जो सोया है नींद में उसको जगाया जाए, जो जागत ही सो गया उसको कौन जगाए। जो अंदर से सो गया उसको कौन जगा सकता है।
बाहर से कोई सोता हो उसको जगाया जा सकता है। धृतराष्ट्र अंदर से सो चुके हैं, धनुष बाण चरणों में रख दिए, सचिव पद से त्याग पत्र दिया, कहा महाराज आज ही महल खाली करके चला जाऊंगा, लेकिन फिर भी मेरी बात का विचार अवश्य करिएगा, मैं हस्तिनापुर का मंगल ही चाहता हूं। महात्मा विदुर वहां से चल दिए। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित विदुर जी अकेले नहीं जा रहे, तो बोले समस्त कौरवों की आयु का हरण करके ले जा रहे हैं, देखो मुझे दिखाई दे रहा है, अब कौन बचाएगा इन कौरवों को। संत सताए तीन ने, तीन को रहो ना वंश, तीनों रोवत ही गए रावण कौरव कंस। ये तो समस्त आयु का हरण करके ले जा रहा है, महल खाली कर दिया और कदली वन में श्री विदुर जी विदुरानी को लेकर के पहुंचे। एक छोटी सी पर्ण कुटी बनाई और ये दिव्य दंपत्ति उसी कुटिया के अंदर वास करने लगे। कदली वन में श्री विदुर और विदुरानी, सभी दुर्योधन को मन में ये कहने लगे कि अरे दुर्योधन, तूने महात्मा विदुर का त्याग कर दिया, अब तेरी रक्षा कौन करेगा। सुखदेव जी कहते हैं समय बीत रहा है, कदली वन में श्री विदुर और विदुरानी नित्य द्वादश अक्षर मंत्र का जप तुलसी की माला पर करते हैं। ये शरीर केवल भोग के लिए नहीं है, ये शरीर भजन के लिए है। ये दिव्य दंपत्ति, इनके भजन की महिमा देखो कि इनका पुण्य धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला गया। हमारे यहां धरती पर संपूर्ण वृक्षों में केले का ही वृक्ष ऐसा होता है जिसमें लकड़ी नहीं होती। यदि ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसमें लकड़ी नहीं होती बताओ, तो वो केले का ही वृक्ष है। और उसी कदली वन में श्री विदुर और विदुरानी कुटिया में भजन कर रहे हैं। एक दिन श्री विदुर जी महाराज बाजार में आए हैं, क्या देखा, हस्तिनापुर नगरी दुल्हन के समान सजी हुई। मार्ग में एक व्यक्ति को रोका और पूछा, भैया ये हस्तिनापुर नगरी आज दुल्हन के समान क्यों सजी हुई है। कहा विदुर जी आपको नहीं पता, आज द्वारकाधीश श्री कृष्ण पांडवों के शांति दूत बनकर के यहां आ रहे हैं, मेरे गोविंद का आगमन है। जी आज पांडवों के भाग्य का फैसला होने वाला है हस्तिनापुर की सभा में। जैसे ही सुना मेरे गोविंद का आगमन है, विदुर जी के नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगी, मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा, हृदय रूपी समुद्र में आनंद की हिलोरें उठने लगी। तुरंत श्री विदुर जी महाराज दौड़ करके कदली वन में अपनी कुटिया में पहुंचे। विदुरानी को आवाज दी, सुनती हो। विदुरानी निकल करके आए, जी कहिए। विदुरानी आज हमारे गोविंद पांडवों के शांति दूत बनकर के यहां आ रहे हैं, हस्तिनापुर नगरी कितनी सुंदर रूप से सजाई गई है। विदुरानी ने जैसे ये बात सुनी उनके नेत्र भी सजल हो गए। विदुर जी ने कहा, देवी आज पांडवों के भाग्य का फैसला हस्तिनापुर की सभा में होने वाला है, देखो अब तुम मेरे लौटने की प्रतीक्षा करना, मैं जाऊं थोड़ा सभा में और जानकर के आऊं आज पांडवों के भाग्य में क्या लिखा है। विदुरानी ने कहा कि अब आप हस्तिनापुर के सचिव नहीं हैं, आपको सभा में आगे कौन बैठने देगा। विदुर जी ने कहा, मन छोटा नहीं करते, अरे मैं सचिव नहीं हूं तो क्या हुआ, हस्तिनापुर का आम नागरिक तो हूं ही, इसलिए सभा में जाऊंगा और बिल्कुल पीछे जहां आम लोग बैठते उन्हीं की भीड़ में बैठ जाऊंगा। भीड़ के कारण गोविंद मुझे ना देख पाए तो क्या हुआ, कम से कम अब मैं तो उनका दर्शन कर ही लूंगा, इसलिए मैं जाता हूं मेरे लौटने की प्रतीक्षा करने। श्री विदुर जी महाराज
विदुरानी को कुटिया पर छोड़ करके हस्तिनापुर की सभा में पधारे। ये सभा भरी हुई है और पीछे जहाँ आम लोग बैठते हैं उनके बीच में ही श्री विदुर जी बैठ गए। कैसी सरलता है उनकी। सामने सिंहासन पर धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, कर्ण, विकर्ण सब बैठे हुए। पूरी सभा भरी हुई है और एक आसन रिक्त है मेरे गोविंद के लिए। सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं श्री कृष्ण के आगमन की। महाराज, हस्तिनापुर नगरी सजी हुई है, बंधन बार लगी है, प्रत्येक द्वार के आगे रंगोली को सजाया गया है, कदली खंभ लगे हैं, इत्र का छिड़काव किया गया है, स्त्रियां पुष्पों की पंखुड़ियां लेके तैयार हैं गोविंद के स्वागत के लिए। और उसी समय मेरे गोविंद का दिव्य रथ हस्तिनापुर के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करके आया और भगवान ने पांचजन्य शंख को अपने होठ से लगाया और गोविंद ने किया शंखनाद। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। जैसे ही शंखनाद हुआ, स्त्रियों की दृष्टि घूम गई और गोविंद अपने रथ पर सवार होकर के अंदर आ गए। महाराज, अटारियों से पुष्पों की पंखुड़ियों की बरसात होने लगी ठाकुर जी के ऊपर। जगह जगह श्री कृष्ण की आरती उतारी जाने लगी और सभा में सूचना पहुंची कि गोविंद का आगमन हुआ और किसी भी पल अब सभा के अंदर आ जाएंगे। महाराज, सब अपनी श्वासों को रोक करके बैठ गए, टकटकी लगा के सभा के द्वार की ओर देखने लगे, किसी भी पल परमात्मा यहाँ अंदर होंगे। और अपने रथ से उतर करके मेरे गोविंद चलते हुए हस्तिनापुर की सभा में प्रवेश करके आए। जैसे ही सभा में प्रवेश किया, पीछे जहां आम लोग बैठते हैं उस भीड़ पर मेरे गोविंद की दृष्टि गई और भीड़ में जैसे ही अपने विदुर काका जी को देखा, गोविंद की दृष्टि वहीं पर रुक गई। गोविंद विदुर जी को देखने लगे, विदुर जी देखने लगे गोविंद को। भगवान मुस्कुराए तो श्री विदुर जी भी मुस्कुराए और मेरे प्रभु आगे की ओर चल दिए। अगल बगल में बैठे लोगों ने कहा, विदुर जी महाराज, आपने देखा गोविंद आपको देख करके मुस्कुराए, आपको कुछ संकेत किया, आपने भी सिर हिला दिया, क्या बात है आपके बीच में, थोड़ा बताइए ना। कारे, मुझे तो पता ही नहीं मेरे गोविंद कब आए, कहां हैं। कहा, देखिए वे तो दुर्योधन के सामने पहुंच गए। महाराज, देखने लगे श्रीमान विदुर। भगवान के स्वागत में सब उठ के खड़े हुए, सबने गोविंद को प्रणाम किया। दुर्योधन ने संकेत किया और प्रभु आसन पर बैठे। धृतराष्ट्र ने कहा, गोविंद आज आप पांडवों के शांति दूत बनकर के आए हैं, बताइए क्या प्रस्ताव लाए हैं। भगवान उठकर के खड़े हुए और कहा, राजन, प्रश्न आपने किया है लेकिन बात मैं दुर्योधन से करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है राजा आप हैं लेकिन यहां होता वही है जो दुर्योधन की इच्छा में होता है, इसलिए मैं आपसे बात करने के लिए नहीं, मैं दुर्योधन से बात करने के लिए यहां आया हूं। दुर्योधन ने कहा, कहिए क्या प्रस्ताव लाए हैं। भगवान ने कहा, देखो दुर्योधन, नीति के अनुसार पांडव तुम्हारे पिता के भाई के पुत्र हैं, इसलिए हस्तिनापुर की राजगद्दी के आधे भाग के अधिकारी हैं। यह हस्तिनापुर का आधा भाग इनको मिलना चाहिए, पर मैं ये जानता हूं कि ये देने में तुम्हारी कोई श्रद्धा नहीं है, इसलिए मैं ये प्रस्ताव लाया हूं कि तुम संकल्प करके पांच गांव पांडवों के निमित्त दे दो, मैं उनको मना लूंगा, वे प्रसन्न होकर जीवन भर वहीं वास करेंगे, कम से कम आगे तुम्हारे और उनके बीच में युद्ध तो ना होगा। अभिमान में दुर्योधन उठकर के खड़ा हुआ और कहा, दोष नहीं तुम्हारा कन्हैया, तुम राजनीति क्या जानो, गुड़ के साथ बेजर की रोटी खाई है, पोखरों का पानी पिया है, गैया चराई है, तुम सुनो, सुचग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवः, सुई के अग्रभाग के बराबर भूमि भी बिना युद्ध के पांडवों को नहीं दे सकता। और पांडव ये शांति प्रस्ताव क्या भेजते हैं,
रणभूमि में आ जाए, दो दो हाथ हो जाए, जिसको विजय श्री मिले वो सिंहासन को धारण करे। भगवान ने कहा युद्ध को कहना सरल है दुर्योधन, लेकिन युद्ध के परिणाम बड़े गंभीर होते हैं। मैं युद्ध को रोकना चाहता हूं, मेरा बुद्ध में विश्वास है। दुर्योधन ने कहा मेरा युद्ध में विश्वास है। भगवान ने कहा तुम मान जाओ, इसमें हस्तिनापुर का मंगल है। दुर्योधन ने कहा मैं युद्ध के लिए तैयार हूं, और भगवान के शांति प्रस्ताव को दुर्योधन ने अस्वीकार कर दिया। हजारों नर नारी दुर्योधन को कोसने लगे, कैसी मति है इसकी। थोड़ा सा विवाद होने लगा श्री कृष्ण और दुर्योधन के बीच में, तो धृतराष्ट्र को लगा कि मामला तो बिगड़ जाएगा। तुरंत दुर्योधन का हाथ पकड़ के दबाया, का पागल क्या करता है, यदि महाभारत का युद्ध जीतना है कृष्ण को अपने पक्ष में मिलाओ। बात ही बदल दी, गोविंद कोई बात नहीं, अब देखो ये शांति प्रस्ताव तो हमने अस्वीकार कर दिया, आप इतनी दूर से चल कर के आए हैं, अब भूख तो लगी ही होगी, माता गांधारी ने आपके लिए 56 भोग तैयार कराए हैं, इसलिए आप चलो और 56 भोग को स्वीकार करो। भगवान ने कहा दुर्योधन भोजन दो ही परिस्थिति में किया जाता है, पहला भूख से किसी के प्राण निकले जा रहे हो, और दूसरा कराने वाले के मन में बहुत श्रद्धा हो। भूख से मेरे प्राण नहीं निकल रहे भैया, और अपन को तेरे मन में वो श्रद्धा दिखाई नहीं दे रही, तो बता मैं 56 भोग कैसे स्वीकार करूं, इसलिए इस 56 भोग को मैं अस्वीकार करता हूं। दुर्योधन ने कहा भूखे ही रह जाओगे कन्हैया, टेढ़े खड़े होते हो इसलिए टेढ़ी बात करते हो, फिर कहता हूं 56 भोग तैयार है, स्वीकार कर लो। का बात यह है दुर्योधन, आज मेरा निमंत्रण किसी दूसरे स्थान पर है। दुर्योधन ने कहा निमंत्रण दूसरे स्थान पर कहां है। भगवान ने भरी सभा में कह दिया आज मेरा निमंत्रण मेरे विदुर काका जी के यहां पर। अब तो जैसे ही सभा में श्रीमान विदुर का नाम लिया, पीछे भीड़ में बैठे सो अगल बगल के लोग देखने लगे, कहा अरे विदुर जी आपने बताया नहीं, गोविंद को आपने निमंत्रण दिया है, वे आपका नाम ले रहे, आपने आपने सब प्रकार से तैयारी तो कर ली ना, किसी भी पल पहुंच जाएंगे आपकी कुटिया में। विदुर जी ने कहा मैंने कब दिया निमंत्रण, क्या मेरा नाम ले रहे। बोले हाँ। बोले जल्दी जाइए जाकर के कुछ तैयारी करिए। अरे अरे कन्हैया के लिए तो मेरी कुटिया में कुछ भी नहीं है, जाऊं बाजार दौड़ करके थोड़ा माखन मिश्री ले आऊं, थोड़ा सुंदर लड्डू ले आऊं, थोड़ा रसगुल्ला ले आऊं। हाँ। और श्री विदुर जी सभा से उठ करके दौड़े बाजार की ओर, माखन मिश्री लिया, लड्डू को भी लिया, रसगुल्ला भी लिया, राजभोग भी लिया, संदेश भी ली, चमचम भी ली, ये भी लिया, वो भी लिया, ये भी लू, ये भी लू, ये भी लू। दुर्योधन हंसने लगा, अरे गोविंद फिर वही बात, तुम्हारा दोष नहीं है, वनवासी हो ब्रजवासी हो, अरे जिस पर अपने खाने का ठिकाना नहीं होता वो दूसरे को कब से निमंत्रण देने लग गया, क्या आपको नहीं पता विदुर अब हमारे हस्तिनापुर के सचिव नहीं है, अपने भोजन का ठिकाना नहीं आपको कैसे निमंत्रण दे दिया, आपका क्या सम्मान करेंगे। भगवान ने कहा ये मैं नहीं जानता, जब निमंत्रण दिया है मुझे तो व्यवस्था की होगी। का एक बात बताओ केशव, तुम तो सीधे यहां आ रहे हो, फिर ये निमंत्रण कब मिल गया। कहा देखो दुर्योधन, मैं जब यहां आया तो बीच में ही मुझे निमंत्रण मिल गया श्री विदुर काका जी का, नजरों ने नजरों से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली, हमको निमंत्रण बीच में ही मिल गया, इसलिए मैं 56 भोग अस्वीकार करके जाता हूं श्री विदुर काका जी की कुटिया में, और भगवान हस्तिनापुर की सभा को छोड़ करके चले। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, रथ पर सवार हुए गोविंद और मेरे प्रभु का रथ दौड़ा कदली वन की ओर। विदुर जी तो अभी बाजार में सामग्री लेने में लगे, रथ दौड़ता हुआ कदली वन में आया, सामने श्री विदुर और विदुरानी की दिव्य पर्णकुटी, भगवान का रथ रुका, भगवान रथ से उतरे, चरण पादुकाओं को उतार दिया, भगवान के लिए भक्त का घर अपने मंदिर से भी ज्यादा पवित्र होता है।
नंगे चरण मेरे प्रभु चलते हुए आए। कुटिया का द्वार लगा है, विदुरानी अंदर पक्षियों के दाने की व्यवस्था कर रही है, और उसी समय द्वार पर आए मेरे गोविंद और खोलो खोलो चिल्लाने लगे। जैसे ही आवाज लगाई, विदुरानी के कानों में आवाज गई, अरे ये तो मेरे लाला की आवाज है, ये तो मेरे कन्हैया की आवाज है। सो दौड़ कर के आई और आकर के जैसे ही कुटिया के द्वार को खोला, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, स्पर्श करके देखा ये स्वप्न नहीं है, गोविंद स्वयं सामने खड़े हुए। आओ ना लाला, स्वागत है आपका, पधारो। हाथ पकड़ के श्री कृष्ण का अंदर लेकर के आया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित ऐसी भावा मग्न हुई, ऐसी प्रेमा मग्न हुई कि नेत्रों से अविरल अश्रु धारा बहने लगी और वे कुछ ना समझ पाई कि क्या हो रहा है। भगवान के भी नेत्र सजल हो गए, वे भी ऐसा भावा मग्न हुए, प्रेमा मग्न हुए, भाव में डूब गए। हाथ पकड़ के कुटिया के अंदर आई और फिर दौड़ करके गई, आसन उठा करके लाई। ना देखा सीधा, ना देखा उल्टा, उल्टा ही आसन बिछाया और कहा, लाला बैठो ना। भगवान ने भी नहीं देखा सीधा है और उल्टा, उल्टे पर ही बैठने को तैयार हुए। सो विद्रानी का, नहीं 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 लाला, यहां मत बैठियो, ये स्थान आपके लिए अच्छो ना है, आप यहां बैठो। सो कुटिया के दूसरे कोने पर उल्टा आसन बिछा दिया। भगवान बैठने को तैयार हुए, सो तुरंत विद्रानी ने कहा, नहीं नहीं लाला, ये स्थान भी आपके लिए अच्छो ना है, आप यहां पर मत बैठियो। महाराज हाथ पकड़ करके पूरी कुटिया की अंदर ही अंदर परिक्रमा लगवा ली, और जब गोविंद के चरण कुटिया के प्रत्येक कोने में पड़ गए, तब बीच कुटिया में उल्टा आसन बिछाया विदुरानी ने और कहा, लाला बैठो। भगवान ने भी नहीं देखा सीधा उल्टा, सो उल्टे ही आसन पर बैठ गए। महाराज भक्त और भगवान, देवताओं की भीड़ आकाश में लग गई, क्या घटना होने जा रही है, प्रभु कौन लीला करने जा रहे हैं। भगवान ने कहा, काकी जी हमको तो बड़ी जोरन की भूख लगी है। हाँ, विदुरानी ने कहा, लाला आप दुर्योधन के निमंत्रण पर आए, आपको बाल भोग भी ना कराए। बोले, ना काकी जी हम तो भूखे हैं, आप कछु व्यवस्था करो। सो तुरंत विदुरानी दौड़ करके गई, कदली फलों से भरी डलिया को लेके आई, उसको रखा बैठ गई। कदली फल को उठाया, छिलके को उतारा, ऐसी भावा मग्न हुई कि गूथे को फेंक दिया और छिलका मेरे गोविंद की ओर कर दिया। भगवान ने भी नहीं देखा छिलका है कि गूथा, सो केले के छिलके का ही भोग लगाना प्रारंभ कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। दूसरा कदली फल उठाया, छिलके को उतारा, नेत्रों से जलधारा बह रही है, फेंक दिया गूथे को और छिलका ही श्री कृष्ण के मुख की ओर कर दिया। महाराज भगवान श्री कृष्ण प्रेम से कदली फल के छिलके को पा रहे हैं। नारद जी तो दूर से देख रहे हैं, नारायण 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 क्या लीला हो रही है। दो फल हुए, पांच फल हुए, दस फल के छिलका हुए, पंद्रह हुए, बीस हुए, पच्चीस, तीस, भगवान चालीस केला के छिलका पा गए। और कहा, काकी जी ये केला के फल तो बड़े मीठे हैं। कहा, लाला मैं अपने हाथन से रोज दल दूं कदली फलन के वृक्षन को, मीठे ही होंगे, मेरे पास बहुत है, कोई कमी थोड़ी है, आप प्रेम से भोग लगाओ। हाँ, सो भगवान प्रेम से छिलकों का भोग लगा रहे हैं। आइए हम इस दिव्य झांकी का दर्शन करें। आज हरियाए बेदोर घर पाहुड़ा, 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 बेदोर घर पाहुड़ा, विदुरानी घर पाहुड़ा, बेदोर घर पाहुड़ा, विदुरानी घर पाहुड़ा, बेदोर घर
व्यंजन रूखे, प्रेम बिना सब व्यंजन रूखे, प्रेम बिना सब व्यंजन रूखे, प्रेम बिना सब व्यंजन रूखे, भक्तों का मान बड़ा बड़ा आज हरि आए, भक्तों का मान बड़ा बड़ा आज हरि आए, विदुर घर वत्सल भगवान की। विदुर जी महाराज कुटिया में आए और गोविंद को केले के छिलकों का भोग लगाता हुआ देखा। विदुरानी के हाथ से ठाकुर जी केले के छिलकों का भोग लगा रहे।
आकर के तुरंत विदुरानी के हाथ को पकड़ के जोर से श्री विदुर जी ने हिलाया और कहा, क्या किया देवी तुमने? गोविंद पहली बार मेरी कुटिया पर पधारे और तू उनको केले के छिलके खिला रही। भगवान प्रेम से केले के छिलकों को पारें, सो गोविंद का हाथ पकड़ करके भी श्री विदुर जी ने जोर से हिलाया और कहा, अरे गोविंद क्या किया आपने? ये विदुरानी तो पागल है, आपको तो देखना चाहिए था कि साहब आप केले के छिलकों का भोग लगा रहे हैं। मेरे गोविंद ने कहा, काका जी एक बात कहूं? कहो ना लाला। बोले, सच मानियो मोकू तो अभी पतो चली कि मैं केलान के छिलकान को पारे वहां, मोकू तो अभी तक ये मालूम ही ना पड़ी। लाला एक काम करो, आप मैं बाजार से आपके लिए मीठो लेके आया हूं, आप थोड़ा मीठो लो ना मेरे हाथ से। हाँ, सो विदुर जी ने अपने हाथ से गोविंद के मुख में मीठा दिया, भगवान के मुख में मीठा दिया और जब फिर देने को तैयार हुए तो श्री कृष्ण ने विदुर जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, काका जी एक बात कहूं? कहिए ना लाला। बोले, जो स्वाद काकी जी के केलान के छिलकान में आ रहे हो, वो स्वाद बाजार के लड्डू में ना आ रहे हो। हाँ, बात ये, हम तो भाव के भूखे हैं काका जी, और भाव के बिना तो व्यंजन रूखो ही हो गए। यदि भावनाएं तो 56 भोग भी रूखे हैं, और भाव है तो वो मिठास केला के छिलका में भी है। भाव का ही तो सार है सब। श्री विदुर और विदुरानी गोविंद को देख रहे हैं। भगवान की कुटिया पर देवता पुष्पों की बरसात करने लगे। कैसा दिव्य भाग्य इस दंपत्ति का। भगवान ने कहा, काका जी काकी जी, आप दोनों ने जो मेरे द्वादश अक्षर मंत्र को भजन कियो है, वाकई ही फलस्वरूप मेरो या कुटिया में आनो भयो है। आपके भाव को बहुत बड़ो भार मेरे ऊपर है, मैं आप दोनों को भक्ति को आशीर्वाद दूं। मैं यहां सो जाऊंगो, वाके बाद भी या द्वादश अक्षर मंत्र को भजन आप दोनों करते रहिए, या मंत्र की बड़ी महिमा है। मेरे शरीर में शिखा से लेके चरण पर्यंत ये द्वादश अक्षर मंत्र समायो भयो है, और जो या मंत्र को आदर करे वो वास्तव में मेरो ही पूजन कर ले, ऐसा समझना चाहिए। विदुर विदुरानी ने कहा, प्रभु आप पधारे हमारी कुटिया पर, आपने इस कुटिया को आज मंदिर बना दिया, आपके निरावरण चरण हमारी कुटिया में पड़ गए, और भजन का हमको क्या फल चाहिए साहब। दोनों के नेत्र सजल, प्रभु के भी नेत्रों से अश्रुधारा बह रही। हमारे ब्रज में भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हुए श्री बिंदु जी महाराज, उन्होंने एक स्थान पर लिखा है कि हे गोविंद, मजा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो। यदि बरसात का मजा लेना है तो बाहर क्या लेते हो, अपने भक्त की आंखों में आकर के बैठ जाओ। मजा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो, वो बरसों में बरसते हैं, ये बरसों से बरसते हैं। भक्त के नेत्रों से बह रहे अश्रु बिंदु ही तो कृपा सिंधु के आने का मार्ग है। विदुर विदुरानी गोविंद को लेकर के कुटिया के बाहर आए, प्रभु जाने के लिए तैयार है, सामने दिव्य रथ खड़ा है। भगवान विदुर और विदुरानी के साथ रथ के पास पहुंचे। देवता तो आकाश से देख रहे हैं, नारद जी दूर से दर्शन कर रहे हैं। हाँ, चरण पादुकाओं को धारण किया और गोविंद रथ में सवार हुए, विदुर विदुरानी को आशीर्वाद दिया और भगवान रथ में सवार होकर के वहां से प्रस्थान कर गए। बोले द्वारकाधीश भगवान की। श्री विदुर विदुरानी उसी कुटिया में लौट के आए, दोनों आसन पर बैठे और माला पर द्वादश अक्षर मंत्र का ही भजन करने लगे। कुछ दिनों के बाद श्री विदुर जी विदुरानी को कुटिया में ही छोड़ करके तीर्थ यात्रा के लिए वहां से प्रस्थान कर गए।
विदुर जी तीर्थ यात्रा में अलग अलग तीर्थों को पार करते हुए आ रहे हैं। तो आज की कथा को यहीं पर विराम दिया जा रहा है। कल प्रातःकाल ठीक 9:30 बजे से हम फिर आगे की ओर चलेंगे। लेकिन आइए, आरती हो उससे पहले कुछ सूचना आपको मिले उससे ठीक पहले भगवान के नाम का हम आश्रय लें। तो जो भी पढ़े लिखे हैं वो बैठ जाएं और प्रेम से भगवान के नाम का जप मेरे साथ करें। ठाकुर हमारे आनंद बिहारी, हम हैं आनंद बिहारी। सूचना दी जा रही है उसको आप सुन लें, उसके बाद हमारी कथा के यजमान श्री अग्रवाल जी सपत्नीक अभी यहाँ स्टेज पर हैं। ये वास्तव में गृहस्थ संत भी हैं, आज विदुर और विदुरानी के भाव में भी हैं, तो ये यहीं से आज विशेष आरती करेंगे। उससे पहले कुछ सूचना आपको दी जा रही है उसको सुन लें। अग्रवाल परिवार, आए हुए सभी भाइयों बहनों का, सगे संबंधियों का हार्दिक स्वागत करता है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जिन सज्जनों को, कृपया वह स्टेज पर आकर भागवत भगवान को माला अर्पण करें, वह श्री व्यास जी महाराज से आशीर्वचन लें। श्री वासदेव जी बजाज, श्री मदनलाल जी गोरी सरिया, श्री बजरंगलाल जी खेतान, श्री अरुण जी सराफ, श्री सुरेश आनंद,
श्री आत्माराम जी चांदगोटिया, श्री विनय जी केड़िया, श्री नथमल जी मंत्री, श्री बसंत कुमार जी टिबड़ेवाल, श्री जी आर मोदी साहब व श्री सिब्बू जी भरोलिया, श्री राम जी अग्रवाल, श्री हरी राम जी अग्रवाल, आप सभी से निवेदन है कि कृपया आप व्यासपीठ पर पधारें, भागवत भगवान को माला अर्पण करें व व्यास जी से आशीर्वचन लें। सभी भाइयों और बहनों का श्री अग्रवाल परिवार हार्दिक स्वागत करता है। श्री बालकिशन, श्रीमती भगवती देवी अग्रवाल परिवार आए हुए सभी भाइयों और बहनों का हार्दिक स्वागत करता है। श्री बालकिशन जी अग्रवाल, श्री सुशील जी अग्रवाल व श्री राजेंद्र जी अग्रवाल द्वारा, परिवार द्वारा आयोजित यह कथास्थल पर आए हुए सभी भाइयों और बहनों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। कथा का समय 9:30 बजे सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक है। शाम का समय 3:30 से 6:30 तक है। उत्सव हमारे कृष्ण जन्म 23 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। उत्सव के टाइम 1-1.5 घंटा कथा लेट चलेगी। आप सभी से निवेदन है कि कृपया यथा समय पहुंचकर आप अपना स्थान ग्रहण करें। यह प्रोग्राम लाइव चैनल के ऊपर दिखाया जा रहा है। आप लोग अपने सगे संबंधियों को बोल सकते हैं कि आप चैनल पे देख सकते हैं। श्री सत्यनारायण जी भुवना, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी मालार्पण करें। श्री देवकी नंदन जी पाटोदिया, आपसे भी रिक्वेस्ट है आप मालार्पण करें। यजमान परिवार श्री बालकिशन जी अग्रवाल, सुशील जी अग्रवाल व श्री राजेंद्र जी अग्रवाल सपत्नी कृपया स्टेज पर आने की मेहरबानी करें, आरती की तैयारी करें। आरती के लिए जो सगे संबंधी अग्रवाल परिवार के हैं वह आ सकते हैं। देखिए आरती नीचे भी हम लोग दे रहे हैं, जो भी लेडीज जेंट्स जो भी आरती करना चाहते हैं नीचे सबको आरती का मौका दिया जाएगा। अग्रवाल परिवार व उनके संबंधी कृपया स्टेज पर आ जाए, बाकी सभी लोग नीचे से आरती कर लेंगे। अग्रवाल परिवार व उनके संबंधी वह कृपया स्टेज पर आ जाए, बाकी आप नीचे से सबको आरती का मौका दिया जाएगा। अग्रवाल परिवार नमः
बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम कोर जाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम को मनाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है, मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है, प्यारी बन शी मेरो मन वो है, प्यारी बन शी मेरो मन वो है, देख जब हस्तौ प्रक्षाल पूर्वक मंत्र पुष्पांजलिं पुष्पाण्यादाय हरि ओं जगनेन जगन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नौ ते हनागम महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुलजं भगपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदाव नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तौ ग्रहाणौ परमेश्वराव मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की, वेदव्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, बांके बिहारी लाल की।
आनंद बिहारी भगवान की जय। जय श्री राधे।